कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मलेरिया बुखार के इलाज में काम आने वाली दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स ने मलेरिया की दवा यहां पर हाइड्रोक्सिक्स क्लोरोक्वीन COVID-19 के इलाज के लिए मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ये उन लोगों के लिए है जो संदिग्ध या फिर संक्रमित कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से सिफारिश की गई है कि इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को भारत के महाऔषधि नियंत्रक ने भी मंजूरी दी है। हालांकि इस दवा का इस्तेमाल अभी आपात परिस्थिति में सीमित मात्रा में ही किया जाएगा। वहीं इस दवाई को 15 साल से कम उम्र के बच्चों को देने के लिए मना किया गया है। इसके अलावा आंख की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। परामर्श के मुताबिक सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर के निर्देश पर ही यह दवा दी जानी चाहिए। दवा के इस्तेमाल में ये भी सावधानी बरती जानी चाहिए कि पहले 400 मिलीग्राम की दवा दिन में 2 बार ली जाएगी और उसके बाद 400 मिलीग्राम सप्ताह में 1 बार 7 हफ्तों तक लिया जाएगा। हालांकि बिना डॉक्टर के इजाजत के ये दवा लेनी खतरनाक साबित हो सकती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।